आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ डेट की फॉर्मेट के ऊपर। तो अभी अभी जैसे कि अरिवान जी ने मुझसे पूछा कि उनको डेट जो है कुछ इस तरह से आया हुआ है, ठीक है, ये जो डेट है उनका कुछ इस तरह सर, से डेट टॉपिक है क्या है? जी। टॉपिक 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 तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अरिवान जी की एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हो। प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है, इसे आप भी देखिए। तो अरिवान जी को एक डेट मिलता है कुछ इस तरह से, इसमें क्या है, संडे, SUN संडे जो है वो आपका डेट हो गया, NOV नवंबर जो है उसका आपका मंथ हो गया, उसके बाद 21 जो है वो हो गया डे, उसके बाद टाइम है, फिर IST, फिर 21। ये पूरी तरह से टेक्स्ट फॉर्मेट में है और इसको ऑटोमेटिक तरीके से किसी भी तरह से इसको डेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर डेट ऐसा लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कि आज की डेट ऐसा लिखा हुआ है मुझे इस डेट को इस फॉर्मेट में दिलाना है, तो हम कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद ले सकते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे और हम यहां पे लिखेंगे 3 बार DD, फिर MMM, फिर DD, फिर यहां पे HH/MM/SS, इन्वर्टेड कॉम में IST, और फिर यहां पे YYYY, ठीक है। हाँ, समझ गया। देखिए तो 0-0 आया क्योंकि इसमें हमारे पास डेट के साथ टाइम नहीं था। डेट के साथ अगर हम टाइम डाल दें, डेट एंड टाइम इकट्ठा डाल दें कि 9:30, 9:30 एंड 50 सेकेंड, ठीक है। तो वो फॉर्मेट चले जा रहे हैं। हाँ, स्पेस, एक ही स्पेस देना है ना, दो स्पेस दे दिया, ठीक है, स्पेस दो दे दिया था और ये सेमी कोलन दो हो गया था। लेकिन अगर ये तो चलो ठीक है, अगर डेट है तो कन्वर्ट किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका इस तरह से टाइप हो गया, किसी नोटपैड की फाइल है, किसी और की फाइल पे आई है, उसको अगर आप चाहे कि डेट फॉर्मेट में कर दे तो मुश्किल है, क्योंकि ये डेट, इसको डेट कंसिडर कर रहा है ना कि टाइम। नहीं, ये वाला तो आपने किया ना, ये जो मंडे नवंबर ये वाला किया आपने, राइट? हाँ, इसको हम इसको कर मैंने सकते हैं। कन्वर्ट किया, मैंने नॉर्मल डेट को इसमें कन्वर्ट कर दिया, बात समझे। हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो नवंबर 22 है, इसको अगर हम जाते हैं वो डेट फॉर्मेट में, और वो डेट में जाके अगर चेंज करना चाहते हैं इसको, तो वो दूसरा सेल में, तो वो हो जाएगा? हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको ना सर, इस फॉर्मेट में लाना है आपको तो कस्टम यूज करना पड़ेगा, जैसे ऑलरेडी इसमें डेट का कोई फॉर्मेट नहीं है सर, कस्टम यूज करना पड़ेगा आपको, हाँ कस्टम में, ठीक है हाँ ना, कस्टम में। जैसे कि मान लीजिए हमने, एक बार दोबारा बताता हूँ कि आज का डेट हमने यहाँ पे डाला और आज का टाइम डाल दिया, राइट। अब मुझे इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम कस्टम पे आएंगे, राइट। तो कस्टम में क्या है, पहले है संडे, मतलब कि जो डे है उसका मतलब कि शॉर्ट है, तुमने 3 बार डे लिख दिया, फिर मंथ भी शॉर्ट में स्पेस के साथ एक स्पेस दिया और हमने 3 बार M लिख दिया, फिर डे है तो फिर हमने यहाँ पे 2 बार DD लिख दिया, उसके बाद आवर मिनट सेकेंड है, तो HH/MM/SLASH, माफ कीजिएगा, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन HH, कॉलन HH, राइट, जो टाइम का फॉर्मेट होता है। अब IST लगा हुआ है, तो IST तो टेक्स्ट है ना, हम यहाँ पे IST नहीं लिख सकते, लेकिन राइट। IST को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो शो हो जाएगा। तो IST हमने इन्वर्टेड कॉमा लिखा, फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, YYY टाइम है ईयर के लिए, तो 4 बार YY कर दिया, तो हमारा ओके करते ही हमारा जो एक डेट जो ऐसा है वो कुछ इस तरह से शो होगा जो यहां पे दिख रहा है आपको, समझ गया। लेकिन अगर किसी ने डेट इस तरह से लिख के आपको भेजा है, उसको नॉर्मल डेट में कन्वर्ट करना, दिस इज द वेरी वेरी
क्रिटिकल जॉब, हम्म, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ए जो है इसको टैक्स समझ रहा है, तो किसी तरीके से डेट नहीं समझा सकता है, अच्छा समझ गया। नहीं, लेकिन ई कॉलम में जो है इसको अगर मैं डेट में कन्वर्ट करना हाँ चाहता इसको हूँ कर तो वो ही सकते हो हैं, जाएगा। क्योंकि क्योंकि ये विजुअल है आपको इस तरीके से, ओरिजिनल तो आपका डेट ही है ना सर, डेट एंड टाइम है ना। हाँ, राइट राइट। आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जाइए, चाहे डेट फॉर्मेट में जाइए, जो फॉर्मेट डालना चाहे डाल सकते हैं। जैसे मैं डेट में गया, और डेट में जाने के बाद मैंने डेट में गया और मैंने ए सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, प्लीज आ गया आपका 22 नवंबर 2021, ठीक है। ठीक है, ये वाला आप जो बोले बोली बट ऐसा नहीं कर सकता, इसको लिए क्या करना होगा कि इसमें से मुझे अलग करना होगा, मुझे कि नवंबर अलग करना होगा, फिर स्लैब यहाँ पे, पहले यहाँ पे 21 अलग करना होगा, फिर इसमें नवंबर अलग करना होगा, फिर इसमें हमें 2021 अलग करना होगा, तब जाके डेट का बनेगा, ठीक समझे। है। तो अलग कैसे होगा, तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, राइट। ठीक तो हम इसमें कर्सर रखते हैं डेटा में, टेक्स्ट टू कॉलम, हमें इसको हम डिलिमिटेड सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और हम बोल रहे हैं इसको कि स्पेस के बिहाफ पे अलग कर, तो ठीक अलग अलग सेल में चला जाए, चला गया सर। ठीक अब आप क्या करें कि इसमें लगा लें कि भाई 21, फिर आप कंबाइन कर लें नवंबर, फिर कंबाइन कर लें ईयर, आ गया डेट आपका, समझे। लेकिन इस पे भी आप कोई डेट और डेट का फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा, या मान नहीं, लीजिए वो मैं जो चल रहा हूं, एक बात बताइए, एक सेकेंड, वो जो वो अपने वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो जो डाल रहे हैं ना, क्या एक डैश देके जो डाल रहे हैं, हाँ सेपरेटर है, क्योंकि तो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के साथ डैश ही होगा, फॉर्मेट हमने एक फॉर्मेट डेट की तरह फॉर्मेट तैयार कर दिया, हमने बोला कि 21 को लो डैश लगाओ, फिर 21 नवंबर को लो फिर डैश लगाओ, फिर आप 2021 को लो, तो इसी सीक्वेंस में इसने कर दिया। अगर डैश के थ्रू कर दिए, या फिर आप यहाँ पे अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो टेक्स्ट ज्वाइन ले सकते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन हमने बोला कि यहाँ पे इस डैश लेना है, और फिर इसको हमने क्या किया कि वन टेक्स कॉमा सेकेंड टेक्स कॉमा थर्ड टेक्स आप आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ आप यहाँ पे कॉनकेटामेट का फॉर्मूला लगा लो, अब आप दो क्यों डाला उसमें क्या दो क्या कॉमा, था? दो कॉमा यहाँ आप पे। इसके इसके सेंटेक्स को पढ़िए ना, इग्नोर एम्प्टी, ब्लैंक सेल को इग्नोर करना है, तो ब्लैंक सेल को कुछ करना नहीं, इसलिए छोड़ दिया मैंने, नहीं, यहाँ पे ये जो दो डाला है, दो कॉमा डाला है, ये नहीं समझ रहा हूँ। वही तो बोल रहा हूँ सर, इसमें एक इग्नोर एम्प्टी दिख रहा है आपको सर, इसके इग्नोर सेंटेक्स एम्प्टी, डिलिमिटर में सेपरेट कौन सा है, इग्नोर करना है एम्प्टी सेल को, ब्लैंक सेल को, सुबह टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू टेक्स्ट थ्री, इंडक्टिव इग्नोर सेल इसके जगह पे ट्रू लिख दीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं ट्रू कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मूले की डिमांड है यहाँ पे, तो अपने फॉर्मूला में जो चीज जरूरत है वही डालेंगे ना, जो जरूरत नहीं उसको क्या डालेंगे फॉर्मूला। ये डिलिमिटेड नहीं, मैं समझने का कोशिश कर रहा हूँ। टेक्स्ट ज्वाइन करके आपने वहां पे डीलिमिटर जो है, वो डीलिमिटर इज बेसिकली वो जो इनवर्टेड कॉमा में जो है, दैट इज द डीलिमिटर, राइट। हाँ मतलब दो 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 टेक्स्ट के बीच में क्या आएगा सेपरेट कर, अच्छा, और इग्नोर एम्प्टी, इग्नोर एम्प्टी के लिए आपने डाला कॉमा करके ट्रू, हाँ तो एक बार एंटर मारिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब ब्लैंक होगा तो फर्क पड़ेगा, जब टेक्स्ट ट्रेन फॉर्मूला समझाऊंगा ना तो इसको डिटेल में समझ में आएगा आपको, इसलिए मैंने आपको एग्जाम टेक्स्ट ज्वाइन आपको नहीं बताया था, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कॉनकेट फॉर्मूला मतलब एन परसेंट वाला समझाया था कि इसको लीजिए एन परसेंट इन्वर्टेड कॉमा में अपना डैश डालिए, फिर एन परसेंट अपना दूसरा टेक्स्ट लीजिए, फिर एन परसेंट इन्वर्टेड कॉमा में अपना सेपरेटर डालिए,
फिर एन परसेंट फिर ईयर को डालिए, समझ गया? ठीक है सर? हाँ आगे लेकिन ये रिजल्ट टेक्स्ट में आया है, तो इसके करने के बाद फिर आपको वैल्यू का फॉर्म, डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ताकि ये डेट डेट में कन्वर्ट हो जाए इस तरह से। डेट वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करके फॉर्मेट नहीं कर सकता? नहीं, डेट वैल्यू में जब आ गया अब मैं इसमें फॉर्मेट कर सकता हूँ, तो पहले नहीं कर सकते। अब देखिए, अब मैं कोई भी फॉर्मेट डाल सकता हूँ। ये बेसिकली क्या है कि एन परसेंट जब लगता है ना, या फिर टैक्स ज्वाइन लगता है या कॉन्केट लगता है, ये सब टैक्स कैटेगरी के फॉर्मूले है, रिटर्न टैक्स करते हैं। तो डेट तो है बट टैक्स कैटेगरी में लिखा हुआ, जैसे कि हम लोग नंबर सिंगल कोट लगा के लिख देते हैं ना, सेम। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड बस, यहाँ पे ये ट्वेंट ऊपर में जाइए एक बार, जी वन, इसको एक बार फॉर्मेट सेल कीजिए, सिलेक्ट कीजिए बार। इसमें फॉर्मेट नहीं होगा ना सर, टेक्स्ट है, इसमें किसी तरह का फॉर्मेट नहीं होगा, इसलिए तो मैं वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ लगाया मैंने आपको, डेट वैल्यू का, ताकि डेट में कन्वर्ट हो जाए। अब इस पे फॉर्मेटिंग लगाइए जो लगाना है, समझे? समझ गया। हाँ, इस पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। हाँ, इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई लगाना है तो ये सेम फॉर्मूला, इसमें इस सब सारे फॉर्मूले को डेट वैल्यू फॉर्मूले के अंदर डाल दीजिए, डेट वैल्यू, समझ गए? अब जो करना है कीजिए, समझ गया सर? और आपने वो कॉनकेटिनेट वाला क्या बोल रहे थे? और कॉनकेटिनेट पीछे कॉनकेट फॉर्मूला होता है, कॉनकेटिनेट फॉर्मूले से फॉर्मूले पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा सर, फिलहाल जो जरूरत है वही सीखिए। तरीके तो हजार है सर, उसके लिए फिर 999 में आपको सीखने पड़ेंगे ना। हाँ सीखेंगे, सीखेंगे, करना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ओके, तो आपको समझ में आया सर? कल्याण जी, कल्याण जी, समझ में आया। चलिए, टॉपिक इंटरेस्टिंग थी तो मैंने सोचा कि आपको बता दो।